आइए अब देखते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। मतलब अगर किसी प्रिज्म द्वारा अपवर्तन की घटना होगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा उसके अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक किसे प्रदर्शित करते हैं n से, तो अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं n से, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र का निर्माण कर रहे हैं। जैसे ए बी सी एक प्रिज्म है जिसमें पी क्यू जो है वो आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश अभिलंब के जगह जो कोण बनाती है वो होता है आपतन कोण आई, जहां एन क्यू ई अभिलंब है, ये क्यू आर अपवर्तित प्रकाश है और ये अपवर्तन कोण आर, क्योंकि अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। यहां जब ये किरण क्यू आर जो अपवर्तित किरण है दूसरे अपवर्तक पृष्ठ एसी पर पहुंचती है जहां एम आर ई अभिलंब है तो ये अभिलंब से दूरत्व और आर एस क्या है निर्गत प्रकाश, जहां ये है अपवर्तन कोण आई डैश और ये अपवर्तन कोण आर डैश। अब देखें जब आपतित ये है डेल्टा विचलन कोण और ये बना है आपतित प्रकाश PQ को आगे की ओर बढ़ाने पर और RS प्रकाश निर्गत प्रकाश को पीछे की ओर बढ़ाने पर, इनके बीच बना कोण ही कहलाता है हमारा विचलन कोण। अब इसको ले त्रिभुज QDR में, कौन सा त्रिभुज QDR इस वाले त्रिभुज को लेगा, ये त्रिभुज कोण डेल्टा है, त्रिभुज के बाहर बना कोण दो अंतर कोणों के योगफल के बराबर होता है, तो त्रिभुज QDR इस ऊपर वाले त्रिभुज में ले रहे हैं डेल्टा बराबर त्रिभुज के बाहर बना कोण है दो अंतर कोणों के योगफल के क्या इनके योगफल के बराबर होगा। तो यहां देखते हैं कि इनका मान कितना होगा, तो हम लिखे डेल्टा बराबर कोण बी क्यू आर, बी क्यू आर इस कोण को लिया प्लस डी आर क्यू, डी आर क्यू इस कोण को लिया, क्योंकि मैं बताया त्रिभुज के बाहर बना कोण दो अंतर कोणों के योगफल के बराबर। अब इसके कोण को निकालते हैं, ये आई है शीर्षाभिमुख प्रॉपर्टी से ये दिया है पूरी वायु को, उसमें भी ये आर है तो ये बचा हुआ कितना होगा आई माइनस आर, ये कोण कितना होगा आई माइनस आर। उसी तरह इसकी पूरे कोण को बात करें ये आई डैश है तो ये भी आई डैश, इसमें से ये आर डैश है तो ये कोण कितना होगा आई डैश माइनस आर डैश। तो आपके पास क्या मिला कोण डी क्यू आर बराबर आई माइनस आर, कोण डी आर क्यू बराबर आई डैश माइनस आर डैश। तो आई वाले पद को एक साथ करें और आर वाले पद को एक साथ, तो आई प्लस आई डैश माइनस कॉमन कर लें तो आर प्लस आर डैश समीकरण ए। अब बात करते हैं चतुर्भुज ए क्यू ई आर, इसमें चतुर्भुज ए क्यू ई आर में ये एन क्यू ई अभिलंब है और अभिलंब हमेशा अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची जाती है, तो ये कोण 90 होगा और ये भी कोण 90 होगा, तो जब इसमें दो कोणों का योग 180 हो गया तो बचे हुए दो कोण भी क्या होंगे 180। तो लिखा है चतुर्भुज ए क्यू आर में कोण ए क्यू ई, ए क्यू ई और ए आर ई दोनों समकोण है, तो समकोण है तो ये 90 और ये 90 बल्कि 180 हो गए, अतः कोण ए तथा कोण ई का योग 180 होगा क्योंकि दो कोण बचे हैं ए और ई और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360, तो ए प्लस ई इक्वल्स टू 180। अब देखते हैं इस त्रिभुज में क्यू ई आर में, त्रिभुज में क्यू ई आर में त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 होता है, तो दो कोण दिए हैं आर और आर डैश और ये है ई, तो इन तीनों कोणों का योगफल मिलके 180 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल्स टू 180। तो लिखे आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल्स टू 180 इस त्रिभुज में, त्रिभुज क्यू ई आर में नीचे वाले। अब इन दोनों समीकरणों को तुलना करें तो इधर आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल्स टू 180 और यह है ए प्लस ई इक्वल्स टू 180, तो दोनों समीकरणों से हम लिख सकते हैं आर प्लस आर डैश इक्वल्स टू ए क्योंकि दोनों 180 है। ये समीकरण दो, इस समीकरण दो से आर प्लस आर डैश का जो मान निकला उसको हम समीकरण एक में रखेंगे, तो हम लिखा आर प्लस आर डैश का मान समीकरण एक में रखने पर, तो जब रखें तो डेल्टा बराबर आई प्लस आर डैश माइनस आर प्लस आर डैश की जगह क्या लिख सकते हैं ए, तो हमने लिखा डेल्टा बराबर मतलब विचलन कोण डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस ए बराबर, ये है हमारा समीकरण तीन। यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में हो, मतलब अल्पतम विचलन मतलब
आपतन कोण का हुआ विशेष मान जिस पे विचलन कोण क्या हो न्यूनतम हो उसको हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। और अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, जब डेल्टा बराबर डेल्टा है मतलब विचलन कोण का मान अल्पतम विचलन होगा तो I बराबर I डैश आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होंगे और R बराबर R डैश। तो अब देखते हैं समीकरण 2 तथा 3 से, मतलब यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है तो समीकरण 2 क्या है R plus R dash equals to A। अब हम इसमें अल्पतम विचलन की स्थिति को देखें मतलब जहां R dash है वहां किसकी वैल्यू को रख सकते हैं R, तो हम लिखेंगे R plus R equals to A, तो 2R equals to A, R बराबर A by 2, ये आपको समीकरण 2 से मिलेगा। समीकरण 3 की बात है विचलन कोण डेल्टा बराबर I plus I dash minus A, अल्पतम विचलन की स्थिति इसमें भी देखें तो डेल्टा की जगह क्या पुट करें डेल्टा है विचलन कोण की जगह अल्पतम विचलन और जब अल्पतम विचलन होगा तो I डैश की जगह क्या रख सकते हैं I डैश बराबर I, तो ये I और I इक्वल टू 2 I माइनस A, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 2 I बराबर A प्लस डेल्टा M, I बराबर लिख सकते हैं डेल्टा M प्लस A by 2, ये रहा I और R का मान निकला है। अब स्नेल के नियम अनुसार स्नेल का नियम जो आपको प्रकाश के अपवर्तन में मिला था आपतन कोण की जय और अपवर्तन कोण की जय का अनुपात एक निर्णायक होता है जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो n बराबर लिखते हैं sin i / sin r, i और r का मान जैसे यहां से i और यहां से r का मान जो हमें मिला है उसमें हम इसको रखें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमने लिखा i और r का मान रखने पर n बराबर sin i की जगह क्या रख सकते हैं e plus delta m by 2 जिसको हमने लिखा और r की जगह sin r की जगह क्या रख सकते हैं a by 2। ये हमारा जो फॉर्मूला मिला n बराबर sin a plus delta m by 2 upon sin i by 2, ये प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र है। इसमें i के पद को देखते हैं जहां a प्रिज्म कोण है डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण और a ये भी हमारा प्रिज्म कोण है, ये रहा प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। अब देखते हैं यदि जो प्रिज्म है जिसके द्वारा हम अपवर्तन की क्रिया को संपन्न कर रहे हैं और फार्मूला प्रिज्म की अपवर्तनांक का m बराबर sin a plus del m upon 2 बटे sin a by 2 में प्राप्त हो रहा है। अगर उसमें एक विशिष्ट स्थिति हो पतला, यदि प्रिज्म पतला हो या पतले प्रिज्म द्वारा विचलन तो उस समय स्थिति में उसके विचलन कोण को या अल्पतम विचलन कोण को कैसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं क्या है इसमें। आपका जब प्रिज्म पतला हो, प्रिज्म पतला हो कहने का मतलब अर्थात इसका कोण a, a क्या है a b c एक प्रिज्म है तो a इसका प्रिज्म कोण है अर्थात इसका जो प्रिज्म कोण है a 5 डिग्री या इससे कम हो, 5 डिग्री या इससे भी कम हो तब डेल्टा m भी छोटा होगा, तो उस समय जो विचलन कोण होगा अल्पतम विचलन कोण वो भी छोटा होगा। उस स्थिति में sin a plus delta m by 2 की जगह हम क्या रखेंगे a plus delta m by 2, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले गोलीय पृष्ठ अपवर्तन के सूत्र में बताया गया है कि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा होता है तो sin i की जगह हम क्या लिखते हैं केवल i और sin r की जगह क्या लिखते हैं r, उसी तरह ये i की वैल्यू है तो हम sin i की जगह क्या लिखेंगे केवल i, तो sin a plus delta m by 2 की जगह लिखेंगे a plus delta m by 2 और sin r r की जगह a by 2 है तो कर लेंगे a by 2 रखें इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में तो sin a plus delta m by 2 की जगह लिख दिया हमने a plus delta m by 2 और sin a by 2 की जगह क्या लिखते हैं a by 2 और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है डेल्टा m मतलब अल्पतम विचलन कोण बराबर n minus 1 into a जहां n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है और a प्रिज्म कोण है, a क्या है अपवर्तनांक और ये क्या है प्रिज्म कोण, ये रहा पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। मैं एक अलग टॉपिक को या अगले टॉपिक को पढ़ाऊंगा जो है प्रिज्म। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने दर्पण सूत्र फिर लेंस सूत्र गोलीय दर्पण सूत्र फिर लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने को देखा था फिर उसके आवर्धन वो हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म कि प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि प्रिज्म है क्या।
प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम है जैसे कांच का बना जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। मतलब प्रिज्म एक होगा समांग पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। जैसे एबीसी एक कांच से बना प्रिज्म है, इन पृष्ठों को, इन पृष्ठ और इस पृष्ठ को कहते हैं हम अपवर्तक पृष्ठ, क्योंकि दो पृष्ठों के बीच झुका होना चाहिए कोण। तो ये पृष्ठ ए बी और ए सी हम कह सकते हैं एक अपवर्तक, दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं और इनके बीच का ये जो कोण, इसी को बोलते हैं हम प्रिज्म कोण। इसका मतलब दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बनेगा वही हमारा प्रिज्म कोण होगा। अब देखते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, कि अगर आपके पास एक कांच से बना हुआ प्रिज्म है तो उससे प्रकाश का अपवर्तन की घटना कैसे होगी। ये ए बी सी एक प्रिज्म है जिसमें ए बी और ए सी, ए बी सी एक प्रिज्म है जिसमें ए बी और ए सी अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ मतलब वह पृष्ठ जिससे प्रकाश के अपवर्तन की घटना होगी। तो ए बी और ए सी अपवर्तक पृष्ठ है। जब इसके अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर, कौन सा पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर कोई प्रकाश की किरण पी क्यू आपतित की जाती है। पी क्यू कौन सी किरण है, आपतित किरण, मतलब जो किरण आप डाल, जब इसके इस पृष्ठ पर डाल रहे ए बी पर अपवर्तक पृष्ठ, जब इसके अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर कोई प्रकाश की किरण पी क्यू आपतित की जाती है, जहां एन क्यू ई अभिलंब, ये अपवर्तक पृष्ठ है, इसके लंबवत जो रेखा खींचेंगे वो क्या कहलाएगी, हमारा अभिलंब, जहां एन क्यू ई अभिलंब है। तो अब कौन सी घटना होगी, देखिए ये प्रिज्म रखा है वायु में और प्रिज्म बना है कांच का, तो वायु हो गया आपका विरल माध्यम और कांच हो गया सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये किरण, इसको जाना चाहिए सब सीधा, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई, ये जहां क्यू आर ये प्रकाश अपवर्तित प्रकाश है। तो अब ये अपवर्तित प्रकाश पहुंचा दूसरे अपवर्तक पृष्ठ एसी पर, जहां एम आर ई अभिलंब है, जहां एम आर ई अभिलंब है। अब देखते हैं प्रकाश क्या हुआ, ये कांच का बना है, ये इसका अपवर्तनांक ज्यादा, अगर वायु में इसका अपवर्तनांक कम, तो अब प्रकाश की किरणें किधर से जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम। और जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, ये अभिलंब से दूर हटती है। इसको जानना चाहिए इसने सीधा, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गए और ये आर एस किरण, इसको बोलेंगे हम निर्गत प्रकाश। और क्यू आर कौन सा प्रकाश है, क्यू आर है अपवर्तित प्रकाश। ये रहा किसी प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की घटना को कैसे संपन्न कराएंगे। अब देखते हैं कि विचलन कोण क्या होता है, एक और टॉपिक इसमें है विचलन कोण। देखिए जब आपतित प्रकाश, आपतित किरण या आपतित प्रकाश पी क्यू को आगे की ओर बढ़ाते हैं, कौन सा प्रकाश, आपतित प्रकाश है, आपतित किरण को पी क्यू को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और निर्गत प्रकाश, कौन सा प्रकाश, निर्गत मतलब आर एस, को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। विचलन कोण को हम लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डेविएशन एंगल। प्रदर्शित करते हैं डेल्टा से, क्या होता है इसको देख रहे हैं, जब आपतित प्रकाश पी क्यू को आगे की ओर और निर्गत प्रकाश आर एस को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं पर काटती हैं, इनके बीच बने कोण को ही हम कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण। और इसको प्रदर्शित करते हैं हम डेल्टा से, ये रहा विचलन कोण डेल्टा, और ये क्या है, आपतित प्रकाश पी क्यू को आगे की ओर बढ़ाने को और निर्गत प्रकाश आर एस को पीछे की ओर बढ़ाने को, ये दोनों जाए तो कटिंग होगा हमारा विचलन कोण। अब हम लोग पढ़ेंगे आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच में संबंध।
अब देखते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो है आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र, मतलब एक ग्राफ खींचे आपतन कोण को प्रदर्शित करते हैं आई से और विचलन कोण को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा से, तो वो वक्र हमें कैसा मिलेगा। देखिए किसी प्रिज्म में विचलन कोण का माप, ये विचलन कोण है वो कैसे बना है, आपतित किरण पीके को आगे की ओर बढ़ाया गया और निर्भर किरण आरएस को पीछे की ओर बढ़ाया गया, तो जहां ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं उनके बीच बने कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। तो ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम आपतन कोण आई और ये होगा अपवर्तन कोण आर, क्योंकि अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो अपवर्तन कोण आर होगा। प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है, अगर हम लाइट इधर से डाल लें वो इधर से निकल लें, इधर से लाइट डाले तो वो इधर से निकलेगी, अगर प्रकाश उधर से जाते हैं तो ये होता आपतन कोण आई डैश और ये होता अपवर्तन कोण आर डैश, है क्या। इस विचलन कोण डेल्टा का मान इस विशेष आपतन कोण के मान पर निर्भर करता है, मतलब जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को परिवर्तन करते हैं विचलन कोण का मान भी उसी संगत में परिवर्तन हो जाता है। यदि हम विभिन्न आपतन कोण के संगत विचलन कोण को लें, जैसे आपतन कोण के मान को परिवर्तित करेंगे तो विचलन कोण का मान भी परिवर्तित होगा, तो यदि हम विभिन्न आपतन कोण के संगत विचलन कोण में होने वाले परिवर्तनों के मान को लें और आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र खींचे, जैसा इधर खींचा गया आपतन कोण और विचलन कोण के बीच, तो वो वक्र हमें कुछ ऐसा प्राप्त होता है। ये वक्र बता रहा है जैसे जैसे हम आपतन कोण बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान भी बढ़ने लगता है, लेकिन एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाएंगे विचलन कोण का मान घटेगा, लेकिन यहाँ पर देखते हैं जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान क्या होगा घट रहा है, लेकिन एक विशेष आपतन कोण पर इस आपतन कोण पर विचलन कोण का मान सबसे कम है, उसके बाद भी अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो विचलन कोण का मान क्या हो रहा है पूरा बढ़ने लग रहा है। तो इस विशेष आपतन कोण पर जिस पर विचलन कोण का मान न्यूनतम है उसी को बोलते हैं हम अल्पतम विचलन कोण, मिनिमम डेविएशन एंगल पर इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा एम से। तो ये विशेष आपतन कोण पर इस विचलन कोण का मान क्या न्यूनतम और तो जो वक्र मिलेगा वो हमें इस रूप में मिलेगा। तो बताते हैं अल्पतम विचलन कोण क्या होता है। प्रिज्म में एक विशेष आपतन कोण के लिए जैसा आप देख रहे हैं आपतन कोण बढ़ा रहे हैं विचलन कोण का मान बढ़ रहा है, ये एक्सिस विचलन कोण को बता रही तो ये वैल्यू घट रही है, लेकिन एक विशेष आपतन कोण पर जब यहाँ विचलन कोण का मान न्यूनतम है तो प्रिज्म में एक विशेष आपतन कोण के लिए प्रिज्म अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है, क्योंकि उस समय उसका विचलन क्या होगा सबसे अल्पतम कम होगा। अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये मिनिमम डेविएशन एंगल है। अल्पतम विचलन की स्थिति में मतलब प्रिज्म जब अल्पतम विचलन की स्थिति में होगा तो क्या होगा आई बराबर आई डैश, इसका मतलब आपतन कोण क्योंकि आपतित किरण है और ये कौन सी किरण है निर्गत किरण, आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, तो आई बराबर आई डैश आर बराबर आर डैश और दोनों अपवर्तन कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। ये कब जब प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में होगा, जहां पे अल्पतम विचलन होगा डेल्टा है तब i बराबर i डैश और r बराबर r डैश, ये रहा हमारा आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच खींचा गया वक्र।